फोटोशॉप के फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू और लेयर मेन्यू के बारे में हम बात कर चुके हैं, और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फोटोशॉप के इमेज मेन्यू के बारे में, जिसमें इमेज से रिलेटेड काफी सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। हम सभी ऑप्शंस को समझेंगे, वो भी एग्जांपल्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है फोटोशॉप का इमेज मेन्यू। सबसे पहला ऑप्शन है मोड। अभी ये डिसेबल्ड है क्योंकि अभी हमारे पास यहाँ कोई इमेज नहीं है। तो पहले यहाँ पर मैं एक इमेज इंसर्ट कर लेता हूँ। इस तरीके से यहाँ पर हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। ओके, इमेज यहाँ पर आ गई है। इमेज में सबसे पहला ऑप्शन है मोड, और मोड में काफ़ी सारे ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन आपको यहाँ चार ऑप्शन के बारे में सही तरीके से समझना है। नंबर फर्स्ट ग्रे स्केल, सेकेंड RGB, थर्ड CMYK एंड फोर्थ लैप कलर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है ग्रे स्केल। अगर आप अपनी इमेज को ब्लैक एंड वाइट करना चाहते हैं, तब आप इमेज में आएंगे, मोड में आएंगे और यहाँ ग्रे स्केल पर क्लिक कर देंगे। ओके, तो आपकी जो इमेज है वो ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट हो जाएगी। अब आप यहाँ पर जो भी काम करेंगे उसमें कोई भी कलर अप्लाई नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं एक शेप ले लेता हूँ। अब इस शेप में हम कोई कलर फिल करेंगे, मान लीजिए रेड कलर फिल करेंगे, ओके करेंगे, तो यहाँ पर रेड की जगह देखिए डार्क कलर फिल हुआ है। इसी तरह से यहाँ पर मैं एक और शेप ले लेता हूँ, और इस शेप में हम यहाँ पर फिल करते हैं ब्लैक कलर, तो यहाँ पर ब्लैक परफेक्ट आ रहा है। इसी तरह से यहाँ पर मैं एक और शेप ले लेता हूँ और इसमें हम फिल करेंगे वाइट कलर, तो यहाँ पर वाइट भी परफेक्ट आ रहा है। तो ये होता है ग्रे स्केल मोड, जिसमें आप कोई भी कलर अप्लाई करें यहाँ पर सिर्फ वाइट, ग्रे और ब्लैक कलर ही शो होगा। इसके अलावा कोई और कलर यहाँ पर शो नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए इमेज में मोड में यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो हमें समझना है वो है RGB। RGB का मतलब होता है रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ये कलर का एक कॉम्बिनेशन होता है। इसके लिए मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। एक इमेज हमने यहाँ पर ली और आप इस इमेज को देखिए, यहाँ पर 3 कलर्स हैं, ब्लू, रेड एंड ग्रीन। इन्हीं तीनों कलर के कॉम्बिनेशन से बहुत सारे कलर्स बनते हैं। इसके अलावा यहाँ मोड इसमें है थर्ड CMYK। CMYK यानी सियान, मैजेंटा, येलो एंड ब्लैक। इसके लिए भी यहाँ पर मैं एक इमेज ड्रैग करता हूँ, और आप इस इमेज में यहाँ पर देखिए 4 कलर्स हैं। ये पहला सियान, ये मैजेंटा, ये येलो और ये ब्लैक। इन चार कलर्स के कॉम्बिनेशन से ही सारे कलर्स बनते हैं। तो CMYK में इन चार कलर के कॉम्बिनेशन से सारे कलर बनते हैं, जबकि RGB में इन तीन कलर के कॉम्बिनेशन से, यानी ब्लू, रेड और ग्रीन से सारे कलर्स बनते हैं। RGB और CMYK में फर्क ये है कि जो भी डिजिटल आपकी इमेजेस हैं, डिजिटल प्रोजेक्ट हैं, उसमें जो भी कलर यूज किया जाता है वो RGB यूज किया जाता है। जैसे कि अगर आप कोई इमेज बना रहे हैं अपने वेबसाइट के लिए, अपनी वीडियोस के लिए, मूवीज के लिए, तो ये क्या है, डिजिटल है, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे RGB कलर। जबकि CMYK यूज किया जाता है प्रिंटिंग के लिए। तो यहाँ पर अगर आप CMYK चूज करेंगे तो आप सिर्फ उन्हीं प्रोजेक्ट्स में चूज करेंगे जो आप प्रिंटिंग के लिए बना रहे हैं। जैसे कि अगर आप कोई पासपोर्ट साइज फोटोज बना रहे हैं जो आपको प्रिंट करनी है, तो आप यहाँ CMYK कलर चूज करेंगे। इसी तरह अगर आप विजिटिंग कार्ड्स बना रहे हैं या फिर आप शादी के कार्ड्स बना रहे हैं, तो इस तरह के जितनी भी चीजें होती है जो प्रिंट की जाती है, तो उसमें आप CMYK कलर यूज करेंगे, क्योंकि सभी प्रिंटर्स सिर्फ CMYK कलर को ही सपोर्ट करते हैं, RGB कलर को सपोर्ट नहीं करते हैं। और CMYK में चार कलर्स होते हैं, सियान, मैजेंटा, येलो एंड ब्लैक, और ये आपको सभी प्रिंटर्स में मिल जाएंगे। जबकि RGB आप सिर्फ उन प्रोजेक्ट्स में, उन इमेजेस में चूज करेंगे जो आपको डिजिटली यूज करनी है। जैसे कि अगर आपको YouTube के लिए थंबनेल बनाना है तो ये एक डिजिटल है, इसको आपको प्रिंट नहीं करना, तो आप इसमें RGB चूज करेंगे। आप अपनी वेबसाइट के लिए कोई बैकग्राउंड बना रहे हैं, कोई हेडर बना रहे हैं, गैलरी बना रहे हैं, तो उसमें आप RGB चूज करेंगे, क्योंकि आप उसको प्रिंट नहीं करने वाले। तो ग्रे स्केल आप ब्लैक एंड व्हाइट के लिए यूज करेंगे, RGB आप डिजिटल मीडिया के लिए यूज करेंगे, CMYK आप प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स के लिए यूज करेंगे, और यहाँ पर फोर्थ है लैब कलर। ये ग्लोबल कलर होता है, इसमें आप किसी भी कलर कोड को लेकर के यूज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में यहाँ पर जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं, ये सभी कलर करेक्शन के लिए दिए गए हैं, यानी इनसे आप अपने प्रोजेक्ट का, अपनी इमेज का कलर करेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है लेवल, इसका शॉर्टकट है Ctrl+L। आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। जैसे कि अगर आपको अपनी इस इमेज में ब्राइटनेस को बढ़ाना है,
आपको इसमें लाइट ज्यादा लानी है तो आप इस तरीके से यहाँ पर लाएंगे, और अगर आपको अपनी इमेज में डार्कनेस ज्यादा लानी है तो आप इस तरह से इधर लाएंगे। और इसके अलावा आप यहाँ से भी ये कलर करेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर चैनल है, इसमें RGB है। अगर आप चाहे तो किसी पर्टिकुलर कलर को चूज कर सकते हैं, जैसे कि हमारी इमेज में जो रेड कलर है, अगर हम सिर्फ उसके लेवल को चेंज करना चाहते हैं तो रेड चूज करेंगे, और इस तरीके से यहाँ पर आप रेड को बढ़ा सकते हैं। इसी तरीके से रेड की जगह आप ग्रीन चूज कर लीजिए तो फिर आपकी इमेज में जितना भी ग्रीन कलर है सिर्फ वही इफेक्टेड होगा। और इसी तरह से आप ब्लू यहाँ पर चूज करेंगे, और मैंने आपको बताया है सभी इमेजेस में सिर्फ तीन ही कलर होते हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, और इन्हीं के कॉम्बिनेशन से सारे कलर्स बनते हैं। तो इन्हीं तीनों कलर्स के लेवल को आप यहां से मैनेज कर सकते हैं, RGB चूज करके आप तीनों कलर्स को एक साथ मैनेज कर सकते हैं, जबकि आप यहां रेड, ग्रीन और ब्लू चूज करके सिंगल सिंगल कलर को भी यहां पर मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद इमेज एडजस्टमेंट में यहाँ पर सेकंड ऑप्शन है ऑटो लेवल्स का, इसका शॉर्टकट है शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस L। तो यहाँ पर लेवल ऑटो करेक्ट हो जाएगा, मतलब खुद सही हो जाएगा। कंट्रोल जेड करके हम वापस आ जाएंगे, कंट्रोल जेड। एडजस्टमेंट में यहाँ पर थर्ड ऑप्शन है ऑटो कॉन्ट्रैक्ट का, आप इस पर क्लिक करेंगे, या फिर इसका शॉर्टकट है ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस L। ये तो आप लिख करके रख लीजिए, आप एक नोटबुक बना लीजिए और उसमें जितने भी शॉर्टकट्स हैं जो मैंने शुरू से आपको फोटोशॉप में बताए हैं, आप उन सबको लिख करके रख लीजिए। तो यहाँ ऑटो कॉन्ट्रास्ट है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसका जो इमेज का कॉन्ट्रास्ट है वो ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। कंट्रोल जेड करके वापस आएंगे। इसके बाद एडजस्टमेंट में यहाँ पर है ऑटो कलर का, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपकी इमेज का जो कलर है वो ऑटो करेक्ट हो जाएगा, खुद से सही हो जाएगा। कंट्रोल जेड करेंगे वापस आएंगे। एडजस्टमेंट में इसके बाद यहाँ पर है कर्व्स, इसका शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस M। ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है जब भी आप पासपोर्ट साइज फोटोज़ बनाते हैं या आप किसी भी इमेज को आप इसमें इंसर्ट करते हैं तो उसके कलर्स को सही करने के लिए ये कर्व्स कंट्रोल प्लस M सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसमें क्या है, यहाँ पर एक कर्व दी गई है, इस तरीके से यहाँ पर आप अपनी इमेज के कलर्स को सही कर सकते हैं। जैसे अगर आपको ब्राइटनेस ज़्यादा करनी है तो आप इस तरह से यहाँ पर ब्राइटनेस ज़्यादा कर सकते हैं, अगर आपको डार्कनेस ज़्यादा करनी है तो आप इस तरह से नीचे लाएंगे और यहाँ से आप डार्कनेस को अपनी इमेज में ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर चैनल चूज कर लेंगे, RGB में तीनों कलर्स का कॉम्बिनेशन आ जाएगा, जबकि आप यहाँ रेड, ग्रीन एंड ब्लू एक एक यहाँ पर आप चूज करके एक एक करके भी यहाँ पर इनको करेक्ट कर सकते हैं इस तरह से। देखिए यहाँ पर आप रेड कलर को अपनी इमेज में कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं, इसी तरह से आप यहाँ पर ब्लू कलर को भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद इमेज में एडजस्टमेंट में आपको एक ऑप्शन मिलता है कलर बैलेंस का, इसका शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस B, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपनी इमेज के तीनों कलर्स को एक साथ ही करेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप सियान बढ़ाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से करेंगे, अगर आप रेड बढ़ाना चाहते हैं तो आप इधर राइट साइड में इसको लाएंगे और आप यहां पर बैलेंस कर सकते हैं। इसी तरह से आप मैजेंटा बढ़ाएंगे या फिर ग्रीन बढ़ाएंगे, इस तरह से कर सकते हैं। येलो बढ़ाने के लिए आप इधर लाएंगे और ब्लू बढ़ाने के लिए आप इधर लाएंगे और बैलेंस करने के लिए आप इसको बीच में रखेंगे। इसी तरह से शेडो अगर आप चूज करेंगे तो फिर यही तीनों कलर करेक्शन आप शेडो में कर सकते हैं, और हाइलाइट्स चूज करेंगे तो आप यही तीनों कलर करेक्शन हाइलाइट्स में कर सकते हैं। तो ये कलर करेक्शन के लिए यहाँ पर कलर बैलेंस का यूज किया जाता है। इसके बाद एडजस्टमेंट में आपको ऑप्शन मिल जाता है ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट का, आप इस पर क्लिक करेंगे तो मैन्युअली आप अपनी इमेज में यहाँ पर ब्राइटनेस को कम या ज्यादा कर सकते हैं, और यहाँ पर आप नंबर डाल करके भी कर सकते हैं। इसके अलावा कॉन्ट्रास्ट को भी आप यहाँ से कम या ज्यादा कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर प्रीव्यू है, इस पर आप टिक करेंगे तो आपको साथ साथ ही यहाँ पर प्रीव्यू शो होता रहेगा। इमेज में एडजस्टमेंट में इसके बाद आपको मिलेगा ह्यू सैचुरेशन, इस पर आप क्लिक करेंगे, इसका शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस U, और इससे भी आप यहाँ अपनी इमेज के कलर को करेक्ट कर सकते हैं। ह्यू आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, और सैचुरेशन को आप यहाँ से कम कर सकते हैं और यहाँ से बढ़ा सकते हैं। लाइटनेस को आप यहां से ज्यादा कर सकते हैं और यहां से कम कर सकते हैं। इसके बाद एडजस्टमेंट में आपको ऑप्शन मिलता है डीसैचुरेट का, अगर आपने सैचुरेशन बढ़ाई हुई है तो आप यहां इस पर क्लिक करेंगे या फिर आप शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस यू प्रेस करेंगे तो जो सैचुरेशन है वो डीसैचुरेट हो जाएगी, तो यहां पर हम कंट्रोल जेड करेंगे। इसके बाद इमेज में एडजस्टमेंट में आपको ऑप्शन मिलता है रिप्लेस कलर का, इससे आप किसी भी एक कलर को रिप्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ ये टी शर्ट है, इसके कलर को मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ, मतलब इसी के कलर को सिर्फ मैं यहाँ पर करेक्ट करना चाहता हूँ, तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये पिक कर लेगा। देखिए यहाँ पर सैंपल आ गया है, अब हमारी इमेज में जहाँ जहाँ भी ये कलर है सिर्फ उसी पर इफेक्ट पड़ेगा इस तरीके से। यहाँ से देखिए आप कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं,
सेचुरेशन को आप यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और ये सिर्फ इसी कलर पर अप्लाई होगा जो आपने यहाँ पर कलर पिकर से लिया है। इस तरह से यहाँ पर आप लाइटनेस भी इसकी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ इमेज वाला ऑप्शन चूज करेंगे तो आपको पूरी इमेज यहाँ पर शो हो जाएगी और आप यहीं से कलर पिक कर सकते हैं इस तरह से। इमेज एडजस्टमेंट में यहाँ पर इसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा सिलेक्टिव कलर का, इस पर क्लिक करके आप किसी भी एक कलर को सिलेक्ट करके यहाँ पर उसको करेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर येलो हम चूज कर लेते हैं, इसके बाद आप इसको यहाँ पर कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप किसी भी एक कलर को सिलेक्ट करके उसमें आप करेक्शन कर सकते हैं। ये काफी बड़े बड़े जब प्रोजेक्ट होते हैं या आप किसी बड़ी इमेज पर काम करते हैं वहां पर काम आने वाली चीजें हैं, लेकिन जो छोटे काम है इनमें ये काम नहीं आती है। इसके बाद यहाँ पर है चैनल मिक्सचर, इससे आप चैनल को मिक्स कर सकते हैं। चैनल मतलब आपके जो कलर्स हैं जैसे कि रेड, ब्लू, ग्रीन, इन्हीं को चैनल कहा जाता है। तो आप इन सबको यहाँ पर मिक्स कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने चूज किया रेड, तो आप रेड में यहाँ पर मिक्स कर सकते हैं। ग्रीन इस तरह से आप बढ़ाएंगे, ब्लू आप इस तरह से कम करेंगे। इसके बाद इमेज एडजस्टमेंट में आपको ऑप्शन मिल जाएगा ग्रेडियंट मैप का, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ग्रेडियंट मैप मिल जाएगा, जिससे आप अपनी इमेज में कोई भी ग्रेडियंट अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से आप यहाँ पर चूज करेंगे और ओके कर देंगे, अप्लाई हो जाएगा। कंट्रोल जेड करके हम वापस आ जाएंगे। इसके बाद इमेज में एडजस्टमेंट में आपको ऑप्शन मिलता है इन्वर्ट का, आप इस पर क्लिक करेंगे, इसका शॉर्टकट है Ctrl+I। तो यहाँ आपकी इमेज इन्वर्ट हो जाएगी, जिससे आप सही तरीके से यहाँ पर चेक कर सकते हैं अपनी इमेज को, जैसे कि एक्सरे होता है बिल्कुल वही लुक यहाँ पर आपकी इमेज में आ जाएगा। कंट्रोल जेड करेंगे वापस आ जाएंगे। एडजस्टमेंट में यहाँ पर आपको इक्वलाइज का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करके आप इस तरह से इक्वलाइज कर सकते हैं, ये भी एक तरह का कलर करेक्शन है। और एडजस्टमेंट में आपको नीचे यहाँ पर थ्रेशहोल्ड मिलता है और यहाँ पर आपको वेरिएशंस मिल जाते हैं, काफी सारे वेरिएशंस यहाँ पर दिए गए हैं। आप यहाँ शेडो वाला ऑप्शन चूज कर लेंगे, मिड टोन चूज कर लेंगे, हाईलाइट्स, सैचुरेशंस, कोई भी आप एक चूज करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको काफी सारे वेरिएशंस मिल जाएंगे। आप किसी भी एक वेरिएशन को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं अपनी इमेज में। चलिए हम इसको कैंसिल कर देते हैं। इसके बाद इमेज मेन्यू में आपको एक सब मेन्यू मिलता है डुप्लीकेट का, इस पर क्लिक करके आप अपने इमेज का एक डुप्लीकेट बना सकते हैं। यहाँ से आप एक नेम दे देंगे अपनी डुप्लीकेट कॉपी को, ओके करेंगे, यहाँ पर देखिए एक डुप्लीकेट कॉपी बन चुकी है। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि कई बार जब हम अपनी इमेज पर काम कर रहे होते हैं, उसके कलर को करेक्ट कर रहे होते हैं, तो हमसे मिस्टेक्स हो जाती है। तो ऐसे में अगर हमारे पास एक कॉपी रहेगी तो हम दोबारा से उस पर काम कर सकेंगे। इसके बाद इमेज में अप्लाई इमेज का आपको एक ऑप्शन मिलता है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप काफी इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आप सोर्स चूज कर लेंगे, लेयर आप चूज कर लेंगे। यहाँ पर अभी सिर्फ हमारे पास बैकग्राउंड है, अगर आपके पास एक से ज्यादा लेयर्स होगी तो आप किसी भी एक को यहाँ पर चूज कर लेंगे। चैनल आप यहाँ पर चूज कर लेंगे, या तो RGB या फिर आप रेड, ग्रीन, ब्लू, यहाँ पर सिंगल सिंगल भी चूज कर सकते हैं इस तरीके से। साथ ही आपको यहाँ पर प्रीव्यू शो होता रहेगा, अगर आप इस पर अनटिक करेंगे तब आपको प्रीव्यू शो नहीं होगा। तो अगर आपके फोटोशॉप में ये अनटिक है तो आप इसको टिक कर लीजिए, जिससे आपको साथ ही साथ यहाँ पर प्रीव्यू भी शो होता रहेगा। यहाँ पर ब्लेंडिंग है, ब्लेंडिंग में आप डार्कनेस, मल्टीप्लाई, कलर बर्न, नॉर्मल, काफी सारे यहाँ पर मोड दिए गए हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं। ओपेसिटी आप यहाँ से कम या ज्यादा कर सकते हैं। ओके करेंगे तो इफेक्ट यहाँ आपकी इमेज पर अप्लाई हो जाएगा। तो इमेज में अप्लाई इमेज में जाकर के यहाँ आप अलग अलग इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है कैलकुलेशंस, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप एक से ज्यादा सोर्स में अलग अलग इंडिविजुअल चैनल्स को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर सोर्स 1 और सोर्स 2 है, तो आप यहाँ पर अलग अलग चैनल्स अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि इसमें यहाँ पर मैं ग्रीन अप्लाई कर देता हूँ और यहाँ पर मैं ब्लू अप्लाई कर देता हूँ। इसके बाद ओके करेंगे तो यहाँ पर एक ही इमेज में अलग अलग चैनल्स अप्लाई हो जाएंगे। इसके बाद इमेज में आपको एक सब मेन्यू मिलता है इमेज साइज का, इस पर क्लिक करके आप अपने इमेज के साइज को कम या ज्यादा कर सकते हैं। जैसे कि अभी मेरे पास जो इमेज है इसकी विड्थ है 960, विड्थ यानी चौड़ाई 960 है, और इसकी जो हाइट है यानी लंबाई है ये 1280 पिक्सल है। अब यहाँ पर मान लीजिए मुझे विड्थ इसकी करनी है 500 पिक्सल, तो यहाँ पर मैं 500 टाइप करूंगा, ओके करेंगे तो यहाँ पर देखिए इसकी हाइट और विड्थ दोनों एक साथ ही कम हो गई है। कंट्रोल जेड करके वापस आएंगे। अभी यहाँ पर देखिए अगर मैं विड्थ को कम कर रहा हूँ तो साथ में हाइट भी कम हो रही है, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ विड्थ कम हो, हाइट कम ना हो, तो इसके लिए हमें यहाँ पर कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन पर अनटिक करना होगा। इस पर हम अनटिक करेंगे तो यहाँ पर जो लॉक आ रहा था ये लॉक यहाँ से खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं इसको करता हूँ 500 पिक्सल, ओके करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ विड्थ कम हुई है, हाइट यहाँ पर कम
नहीं हुई है। तो यहाँ से आप अपनी इमेज के साइज को कम या ज्यादा कर सकते हैं। अगर आप कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन को यहाँ टिक कर देंगे तो यहाँ पर लॉक लग जाएगा, और अगर आप हाइट कम करेंगे तो यहाँ पर विथ भी ऑटोमेटिकली कम होगी और आपकी जो इमेज की शेप है वो शेप खराब नहीं होगी। लेकिन अगर आप इसको अनटिक कर देंगे तो फिर आप यहाँ पर सिर्फ हाइट को या सिर्फ विथ को कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसके बाद इमेज में एक सब मेन्यू है कैनवास का, इस पर क्लिक करके यहाँ से आप अपनी इमेज के कैनवास के साइज को कम या ज्यादा कर सकते हैं। हर एक इमेज में एक कैनवास होता है, तो हमें जैसे कि अपने इमेज के कैनवास की हाइट को बढ़ाना है तो हमें किस साइड में बढ़ाना है, ऊपर या नीचे, आप चूज कर लेंगे। जैसे कि हमें ऊपर बढ़ाना है तो यहाँ पर देखिए ऊपर इस तरह से साइज बढ़ जाएगा। अगर हमें नीचे बढ़ाना है तो इस तरह से साइज बढ़ जाएगा। अब साइज कितना बढ़ाना है, यहाँ पर मैं कर देता हूँ 50 मैंने किया, ओके करेंगे तो यहाँ पर देखिए कैनवास साइज बढ़ चुका है। तो यहाँ पर देखिए ये है कैनवास जो हमने यहाँ पर बढ़ाया है। इसमें आप कुछ भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ईशान। तो यहाँ पर आप इमेज में जाएंगे, कैनवास में जाएंगे, तो यहाँ से आप अपने कैनवास के साइज की हाइट को या विथ को कम या ज्यादा कर सकते हैं। जैसे कि हमें विथ बढ़ानी है, मतलब चौड़ाई बढ़ानी है, तो आपको लेफ्ट में चाहिए कि राइट में चाहिए। जैसे कि अगर हमें राइट में चाहिए तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, राइट में इस तरह से आपको कैनवास साइज बढ़ा हुआ मिलेगा। कितना बढ़ाना चाहते हैं यहाँ पर ऐड कर देंगे हम, यहाँ पर 50 ऐड करके ओके करेंगे। तो देखिए यहाँ पर राइट साइड में कैनवास साइज बढ़ चुका है। अब आप यहाँ पर कुछ और काम भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर अपने कैनवास साइज को बढ़ा सकते हैं, उसकी हाइट को बढ़ा सकते हैं या आप उसकी विड्थ को भी बढ़ा सकते हैं। इसके बाद इमेज में आपको एक सब मेन्यू मिलेगा रोटेट कैनवास, इससे आप अपनी इमेज को रोटेट कर सकते हैं। जैसे कि हॉरिजेंटल करने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये हॉरिजेंटल हो गई है, और यहाँ वर्टिकल करने के लिए आप यहाँ वर्टिकल पर क्लिक करेंगे, ये वर्टिकल हो गई है। इसी तरह से यहाँ पर हम फिर से यहाँ पर हॉरिजेंटल कर देंगे, और इसी तरह से यहाँ पर हम फिर से वर्टिकल कर देंगे। तो इस तरह से आप अपनी इमेज को यहाँ पर रोटेट कर सकते हैं। आप यहाँ बाय डिग्री भी कर सकते हैं, जैसे कि 180 डिग्री यहाँ पर मैं इसको घुमाना चाहता हूँ तो इस तरह से हम घुमा सकते हैं, और यहाँ पर जाकर के मैं 90 डिग्री इसको घुमाना चाहता हूँ तो इस तरह से हम घुमा सकते हैं। यहाँ पर रोटेट कैनवास में एक काफी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है आर्बिट्री, इससे आप अपने किसी भी टेढ़े मेढ़े डॉक्यूमेंट को, इमेज को सीधा कर सकते हैं। इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप डालेंगे आप कितने डिग्री के एंगल पर उसको सही करना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं 3 डाल देता हूँ, ओके करेंगे तो हमारी इमेज 3 डिग्री के एंगल पर यहाँ घूम जाएगी। कंट्रोल जेड करेंगे, इसका यूज कहाँ पर होता है चलिए मैं आपको एग्जांपल से दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास एक इमेज है, पासपोर्ट साइज इमेज, और यहाँ पर आप देखिए टेढ़ी मेढ़ी इमेज है, इसको हम सीधा करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर जाएंगे और यहाँ से मेजर टूल ले लेंगे, और यहाँ हम इसको पहले मेजर करेंगे इस तरह से। इसके बाद हम इमेज में जाएंगे, रोटेट कैनवास में आर्बिट्री पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर इसने मेजर कर लिया है कि हमारी जो इमेज है वो 5.54 डिग्री के एंगल पर घूमी हुई है। अब हम इसको सीधा करना चाहते हैं तो ओके कर देंगे। अब आप देखिए इमेज यहाँ पर बिल्कुल सीधी हो गई है। अब आप यहाँ क्रॉप करके इसको क्रॉप कर लेंगे इस तरह से, ओके करेंगे तो यहाँ पर देखिए इमेज बिल्कुल सही हो गई है, ओके। तो इस तरह से आप अपने किसी भी टेढ़े मेढ़े डॉक्यूमेंट को सीधा कर सकते हैं, जिसके लिए आप यहाँ इमेज में जाएंगे, रोटेट कैनवास में जाएंगे और आर्बिट्री में जा करके आप उसको सीधा कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप यहाँ उसको पहले मेजर कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है क्रॉप का, जैसे कि इस इमेज को हम क्रॉप करना चाहते हैं, यहाँ पर मैं सी प्रेस करूंगा या फिर क्रॉप टूल यहाँ पर हम ले लेंगे। इसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे कितने पोर्शन को हम क्रॉप करना चाहते हैं, तो यहाँ पर इतना हमने सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद इमेज में जाएंगे, क्रॉप पर क्लिक कर देंगे तो इमेज क्रॉप हो जाएगी। इसके बाद आपको इमेज में एक सब मेन्यू मिलता है ट्रिम, जिससे आप अपनी इमेज के अनयूजफुल पार्ट को ट्रिम कर सकते हैं। यहाँ से आप चूज कर लीजिए टॉप लेफ्ट या फिर बॉटम राइट, यहाँ पर हम बॉटम राइट चूज कर लेते हैं। ट्रिम आपको क्या करना है, टॉप का हिस्सा, बॉटम का हिस्सा, लेफ्ट का या राइट का हिस्सा, आप यहाँ सबको टिक कर दीजिए या जो आपको जरूरत है वो आप टिक करेंगे और ओके कर देंगे। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारी इमेज में जो अनयूजफुल पार्ट था, जिसको हम यूज नहीं कर रहे थे, वो यहाँ पर ट्रिम हो चुका है। सो ये है फोटोशॉप का इमेज मेन्यू। आप इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इसमें कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं जिनका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। जैसे कि सबसे पहला है मोड, इसमें आप ग्रे स्केल चूज कर लेंगे, या फिर अगर आप प्रिंटिंग के लिए कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो CMYK चूज करेंगे, अगर आप डिजिटल डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो आप RGB चूज करेंगे। एडजस्टमेंट में जाकर के आप यहाँ कर्व्स पर क्लिक करेंगे या फिर Ctrl+M करेंगे तो आप अपने इमेज में कर्व की हेल्प से कलर को करेक्ट कर सकते हैं। डुप्लीकेट से आप अपनी इमेज का एक डुप्लीकेट बना सकते हैं,
और इमेज साइज से आप अपनी इमेज के साइज को कम ज्यादा कर सकते हैं, कैनवास साइज से आप अपनी इमेज के कैनवास साइज को कम या ज्यादा कर सकते हैं, रोटेट में जाकर के आप अपनी इमेज को रोटेट कर सकते हैं, और ट्रिम में जाकर के क्रॉप में जाकर के आप अपनी इमेज को ट्रिम या क्रॉप कर सकते हैं। सो आई होप कि वीडियो आपके अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है वीडियो को लेकर के तो आप नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।